सो गाइस, आज मैं आपको देने वाला एक हाई पिक्सल जैसा सर्वर। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, सर्वाइवल और मिनी गेम्स। तो मैं मिनी गेम्स में पहले जाता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ 5-6 गेम्स मिलेंगे मिनी गेम्स, जिसमें टीएनटी टैंक शामिल होंगे। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ गेम्स के पास। तो यह हमारे गेम्स, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, टीएनटी टैग, टेम्पल रन, बॉम्ब लूट, टीएनटी रन एंड इतिसी। तो चलिए मैं आपको बैक करके ले जाता हूँ। आपको यहाँ पे एक लॉबी का लॉबी करके आपको यहाँ पे एक एनपीसी मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वरना आप चाहे तो आप कमांड में स्लैश लॉबी करके आप वापस भी जा सकते हैं। तो आप वापस आ जाइए। अब मैं आपको ले जाऊंगा सर्वाइवर में। थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। सो मेरा नेट हो चुका है ठीक, थोड़ा मोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। तो चलो हम लोग चलते हैं सर्वाइवर में। तो सर्वाइवर में आप समझ लीजिए कि जो नॉर्मल मोबाइल वाले प्लेयर्स हैं, जो पीई में खेलते हैं, वो अपना कर सकते हैं। उनको करना पड़ेगा बस उस पर दबाए रखना पड़ेगा। और जो लेफ्ट और जो पीसी के वहाँ हैं, उन्हें वहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। तब तो मेरा थोड़ा सा लैग कर रहा है गाइस। तो ये है हमारा सर्वाइवल इस इधर का। तो ये तो नॉर्मल है जैसा होता है। तो वापस चलता हूँ स्लैश लॉबी लिख के। तो एक मिनट, स्लैश लॉबी। तो चलो वापस चलते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, यानी कि स्काई ब्लॉक। थोड़ा सा लोडिंग होने दीजिए। तो आ चुके हैं हम। यहाँ पे आपको एक सर्वर सेलेक्टर भी मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ से भी सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। और ये है स्काई ब्लॉक। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं एक पी प्लेयर हूँ इसलिए मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। वरना आप अगर जावा में खेलते हैं तो राइट क्लिक कर सकते हैं। इसमें दोनों टाइप के प्लेयर्स आ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो ये सब इसमें अवेलेबल है। तो अब आपको जो करना है कि अगर और आपको इसके बारे में और पता चल जाएगा इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जिनका ये सर्वर है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि आपको इस सर्वर का जो आईपी पोर्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से